जहां ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस उमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन भेजा है। अब एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। ईडी का ये कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया। एक्टर से ईडी जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं, इसके लिए किसने संपर्क किया और पेमेंट किस मोड में मिला। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऐप बेटिंग पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करके और मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया गया, उसके संदर्भ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ रायपुर में 4 लोग गिरफ्तार हैं। अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि उसमें कई लोगों की संलिप्तता है। बॉलीवुड के जो सितारे हैं और इन लोगों का बेसिक रोल यह है कि इन लोगों ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है ऐड करके और अलग अलग तरीकों से। साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो उसमें से जो धन लिया है, ऐसा अभी हमको शक है कि जो धन इन्होंने लिया है वो धन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लिया है, कैश लिया है और शायद हवाला के माध्यम से लिया है। इसीलिए उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल में उनका रोल कहाँ तक था और क्या था, और उनको जो उस काम के जो पैसे मिले वो चैनल क्या था उसका। अगर वो इलीगल चैनल था तो वो लोग भी इस क्राइम के दोषी हैं, और अगर वो लीगल चैनल था, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरा काम ही है क्या कहते हैं अपनी कला जो मेरी है उसके अनुसार पैसे कमाना, और अगर किसी ने वो काम किया है और पैसे अगर सीधे चैनल पे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर चैनल गलत है तो फिर वो अपराध का आगम जो महादेव ऐप के माध्यम से कमाया गया था उसका एक अंश उन्होंने भी अपने पास रखा है। इसी के संदर्भ में भी जाँच चल रही है और हमने समन इशू किया हुआ है कुछ लोगों को। कौन कौन है सर, क्या नाम है सर? भाई अभी जो जानकारी है उसके अनुसार जो समन इशू किया गया था, रणबीर कपूर को समन इशू किया गया था, कल उसको उपस्थित होना था, बीता हुआ कल जो है, आज समन इशू किया, उसमें श्रद्धा कपूर को आना था, उमा कुरैशी को आना था, लेकिन ये लोग आए नहीं हैं। इन लोगों ने ईमेल के माध्यम से और आगे के समय की मांग किया है, तो अभी उनके समय की मांग जो उन्होंने की तो है, अब उसमें विचाराधीन है कि उनको समय प्रदान किया जावे कि नहीं प्रदान किया जावे। ये केवल 3 नाम हुए, इसके अलावा भी अभी तक ये जो तीनों नाम के ही समन गया है, तो इसलिए उसी के बारे में जानकारी मैं दे पाऊंगा, बाकी के बारे में। तो जशपुर से खबर, जहां रणविजय सिंह जूदेव अपने पद से इस्तीफा देंगे, घोषणा पत्र समिति सदस्य के पद से इस्तीफा देंगे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पद से इस्तीफा देंगे। सचिन की तरफ से बिना जिम्मेदारी खेलेंगे टीम के लिए, जूदेव ने न्यूज 18 से कहा, पार्टी के लिए करता रहूंगा काम। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं मैं, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे, जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहाँ से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, नहीं तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस ये एक छोटी सी बात थी। तो अभी किन किन पदों पर जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में मैं हूँ मैं, और घोषणा पत्र समिति में हूँ मैं, तो ये दोनों में मैं चाहूँगा मेरे स्थान पर किसी और को रखा जाए। रायपुर पश्चिम से आपने टिकट मांगा था और जो सूची लीक हुई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है कि जो सूची आई है कहीं भी वो अधिकृत सूची नहीं है, और मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है, और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मूढ़त ही हैं जो सीट जीत सकते हैं, पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे लगता है पार्टी को भी सरगुजा संभाग या रायगढ़ लोकसभा में मेरी ज़्यादा उपयोगिता है, यहाँ भी लगभग आपकी 20 सीटें हैं, अगर यहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता है 20 सीटों में, तो मैं यहाँ काम करूँगा, पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, हमेशा करते आए हैं, 4 पीढ़ी से हमारे जो सुपुत्र हैं यश प्रताप, उनकी 4थी पीढ़ी होगी पार्टी में काम करते हुए, तो कहाँ जाएंगे हम।
खबर भोपाल से आ रही है जहां बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। सीएम शिवराज बीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के पहले इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान हो या फिर सह प्रभारी चुनावों को लेकर अश्विनी वैष्णव, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में आज, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी और लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। एशियन गेम्स 2023 के 14वें दिन भारत ने मेडल्स का शतक पूरा कर लिया है। सुबह सुबह तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं ज्योति सुरेखा ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसके बाद मेंस कंपाउंड इवेंट के फाइनल में ओजस और अभिषेक ने गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किया है। इसके बाद विमेंस कबड्डी में भारत ने चीनी ताइपे को हराते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया है। इसी के साथ भारत के एशियन गेम्स में 100 मेडल पूरे हो गए हैं। एशियन गेम्स में भारत अभी तक 25 गोल्ड और 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज समेत कई मेडल अपने नाम कर चुका है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 100 मेडल एशियन गेम्स में भारत के नाम हुए हैं और इसमें 25 तो सिर्फ गोल्ड मेडल ही है, 35 सिल्वर है और 40 ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, एशिया खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयास से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है। प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेल के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीट्स के साथ बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। यानी कि 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम खिलाड़ियों से मिलेंगे जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने के साथ ही भारत को एक अलग पहचान दी है। खेल से भारत को जोड़े रखा, भारत में खेल को लेकर कितने अवसर हैं, इस बात को 100% के साथ सबूत इन्होंने प्रूव कर दिया कि जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में भारत पीछे नहीं है। और खेल जगत में खासतौर पर इतिहास में सबसे बड़ी बात यह कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 100 मेडल पूरे हो गए हैं।